told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt. So hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग हमेशा की तरह रॉक कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आज एक और नए डेली व्लॉग में। तो अभी कहीं चक्कर मारने जा रहे थे और जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड पे, स्टैंडर्ड है। तो अभी देखते हैं किसे जाना, ऐसे ही अभी प्लान बना है और मेरे पास आज के लिए कोई व्लॉग भी नहीं था, तो देखते हैं क्या रहता है। तो चलते हैं और फिर आपको आज के सारे सीन दिखाते हैं। और व्लॉग भी मैं आज काफ़ी लेट शुरू कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं, 3:30 हो गए हैं। तो चलो देखते हैं, ठीक है फिर। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं अभी कुछ ऐसी जगह पे। तो ये रही अपनी बाइक, दुकान से कुछ खाने के लिए सामान ले रहे हैं जैसे चिप्स, कुरकुरे या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और अभी ऐसी लोकेशन पे हैं। तो सोच रहे हैं ऊपर वाली साइड जाने का, क्योंकि घर बैठे बैठे भी बोर ही हो रहे हैं। और देखते हैं अगर जल्दी आ गए तो छोटी सी राइड भी कर लेंगे, वरना ये तो है ही रॉयल एनफील्ड। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं आगे क्या प्लान रहते हैं। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं अभी कुछ ऐसी जगह पे। तो यार ये ना ज्योतिपुर मल्ला रोड है और यहीं से ऊपर सॉरी सलाल का रास्ता भी आता है। और यहाँ से अभी यहाँ पर ना एक लोकेशन है बहुत ज़्यादा प्यारी, ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ना ये वाला, इसी के पीछे है। और काफ़ी ज़्यादा सही व्यू आएगा वहाँ से, और एक बार यहाँ से व्यू चेक कर लो रियासी का। ये है अपना रियासी शहर। अभी थोड़ा फॉग हो रहा है, फॉग नहीं हो रहा, धूल एक टाइप की, तो ना उससे पूरा रियासी ना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। जब बारिश हो जाती है ना फिर ये जो धूल जितनी भी उड़ी सारी बैठ जाती है और फिर मज़ा भी आता है। तो चलो अब आपको दिखाते हैं अपनी अगली लोकेशन। तो भैया जी रियासी वाले देख रहे हो ना, ये जगह देख लो एक बारी यहाँ से भी आपको। तो चलो अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ का व्यू अंदर से। तो भाई ये देखो पेड़, और एक बार ये व्यू चेक कर यार, मैं सच बोल रहा हूँ अभी ना पूरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। जिस दिन बारिश होगी ना और फिर उसके बाद जो धूप निकलेगी फिर आपको पूरा यहाँ का व्यू दिखाऊंगा, देख लो। तो भाई लोग यहाँ पे जगह भी पसंद आई है नहीं बैठने को, व्यू अच्छा नहीं आ रहा। ये देखो ये ऊँची कुरकुरे। तो अभी कोई दूसरी लोकेशन देख रहे हैं, थोड़ी देर बैठेंगे चिल करेंगे और फिर निकलेंगे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कुछ। हाँ तो भैया आ चुका हूँ अभी मैं घर पे, एक मिनट पहले अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन करते हैं। हाँ तो भैया सीन सारा ये है कि जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने का, और अपनी बातचीत कर रहे थे। तो फिर घर से फ़ोन आ गया कि कहीं पर जाना है, तो अभी वहीं पर जा रहे हैं और वहाँ भी वीडियो शूट कर पाऊँगा नहीं। और जिस दिन मैं ये शूट कर रहा हूँ उस दिन ये व्लॉग आना है, बट यार कॉन्टीन्यूटी ना तोड़ने के लिए ना ये जितने मिनट का, 3-4, 2-3 जितने मिनट का बनेगा मैं डाल दूंगा, क्योंकि यार 30 डेज चैलेंज मेरे कंप्लीट होने वाला है। 28 वीडियोस मैंने डाल दी हैं, एक वीडियो दो तीन वीडियोस डालनी बस, और फिर जो मेरे चैनल है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं बाकी क्या रहता है, ठीक है। तो चलो हाँ तो भैया सीन पता क्या, अभी मैं मोटो व्लॉग वाले सेटअप पे तो हूँ नहीं, बट अभी मैं जा रहा हूँ एक काम करने, और वो काम क्या है जहाँ पे जो काम कराना है ना बाइक का ही काम है। इसका यार फुटरेस्ट टूट गया हुआ है और मेरे को फुटरेस्ट अभी लगवाना है, अभी ही लगवाना है, क्योंकि सुबह राइड है और अगर फुटरेस्ट नहीं ना हुआ तो फिर राइड का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा भाई। ये सीन है, इसलिए फुटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं अभी नीचे चल रहे हैं, अगर तो शॉप खुली होगी ठीक है, और अगर शॉप नहीं खुली होगी फिर क्या करेंगे, फिर बिना फुटरेस्ट के सुबह राइड करनी पड़ेगी। बट होप सो कि शॉप खुली होनी चाहिए। तो चलो पहले शॉप पे पहुंचते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। हाँ तो भैया पहुंच चुके हैं शॉप पे, दुकान भी खुली है, अब लगाते हैं हम बाइक साइड पे। तो यार सीन पता है क्या, ये देखो इसका जो फुटरेस्ट है कहाँ पे आ गई, इसकी ब्रेक है, ब्रेक तो बचती है नहीं वैसे भी, और फुटरेस्ट कहाँ पे आ गई, फुटरेस्ट यहाँ पे होता है। मैंने वैसे पहले भी कर टूट गया था, फिर मैंने जुगाड़ करके इसको उल्टा करके लगाया, बट अभी पूरा ही इसका काम हो गया तो फुटरेस्ट नहीं लगा लेते हैं। पीछे वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी पीछे मैं किसी को बैठाता हूँ नहीं। तो अभी यहाँ पे नया फुटरेस्ट लगाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो व्लॉग आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो यार मैं यहाँ पर आया था ना इसका फुटरेस्ट लगाने, और ना यहाँ पर है यामा की एजेंसी, अभी जस्ट अभी रियासत में खुली है भाई। यहाँ पे लगी है मेरी ड्रीम बाइक यामा MT-15। ये तो कलर दूसरा, जो अगर मैंने कलर लेना भी होगा ना तो पूरा ब्लैक कलर लूँगा। और ये यामा की FZS, खाली FZ ही है। तो सच बोलने यार यामा की जो MT-15 बाइक है ना भाई, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरा बीच में प्लान बन भी गया था ये लेने का,
बट अभी थोड़ा डिले हो चुका है, और अगर मैंने लेना होगा भी ना तो इसका ब्लैक कलर लूँगा। बट अब मेरा जो मन है वो फुल फेयरिंग वाली साइड जा रहा है, जैसे यमा की जो V4 या V4M है उस तरफ, क्योंकि भाई इन बाइक का जो पिकअप है वो भी अमेजिंग है, और ऊपर से यमा तो एक रिलायबल ब्रांड है। तो एक तो यमा की M350 है, इस कलर का नाम क्या है वो मुझे भी अच्छे से पता नहीं है, बट जब भी अगर लूँगा ना, एक तो नाडो ग्रे, ऊपर से यार ये जो स्काई ब्लू कलर रहता ना उसकी टचिंग में है, ये नाडो ग्रे और स्काई ब्लू की टचिंग में। बाकी इसकी जो रिम है ये भी स्काई ब्लू है, इसका मुझे एग्जैक्ट कलर का नाम याद नहीं आ रहा। पीछे और आगे सेम रिम दी है, सेम कलर के। बाकी जो यमा का जो F-Z है, इसमें दोनों जो रिम्स हैं वो ब्लैक दिए हुए हैं, तो यार उसकी लुक्स मुझे ना इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा सही लग रही है। बाकी इसका जो पोस्चर है ना बैठने का, जो MT-15 का पोस्चर है और जो जी और जो अपनी यमहा के जो F-Z है इसका जो पोस्चर है वो ना थोड़ा अलग। तो यार एक काम करते हैं, जो उस पर जो बैठने वाला सीन है वो डिले करते हैं, मैं आपको MT-15 और इस पे F-Z पे ना एक प्रॉपर डिटेल रिव्यू दूंगा अपना। राइट रिव्यू तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी बाइक बिकने के लिए आई हुई है, तो अगर आपको MT-15 और F-Z पे रिव्यू चाहिए तो मुझे नीचे बताना कमेंट करके, तो मैं भाई से बात करके इस पे रिव्यू बना दूंगा। तो अभी ना अपनी बाइक पे फोकस करते हैं। ओह फाइनली दोस्तों आ चुका हूँ मैं इस टाइम घर पे, अंधेरा हो गया काफ़ी ज़्यादा और शूट करना मैं वहाँ पे भूल गया था, तो फुटरेस्ट मैंने डलवा दिया इसमें। बाकी ठीक है यार काम चल जाएगा इससे। अब बाकी इसका एक पिछले अलॉय का काम है, इसका जो अलॉय ना ये काफ़ी ज़्यादा वॉबल करता है, तो अभी मुझे इसको भी चेंज कराना है, और इसका जो अगला टायर है वो भी चेंज कराना है, और साथ में जब इसका जो अलॉय चेंज होगा ना इसमें ब्रेक्स भी डलवानी है, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग टोटली ज़ीरो है। तो भाई ये सीन है बस आज का, और सुबह राइड भी है, राइड अभी देखते हैं कि कंटिन्यू होती है या नहीं, अभी कोई पक्का प्लान है नहीं। पहले एक बार भाई से पूछूंगा कि सुबह राइड करने चलना है, अगर तो बोलेंगे चलने के लिए ठीक है, अगर नहीं बोलेंगे तो देख लेंगे। तो चलो करते हैं इस ब्लॉग को एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो करना लाइक, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक और नए डेली ब्लॉग के साथ, जल्दी बाय एंड स्टे सेफ।